हाय दोस्तों मैं युवराज कटारे और आप देख रहे हैं मेरा चैनल श्रीराम गैरेज ये कैस एट फाइव वन मशीन है इसमें जो इंजन है वो है फियाट का जो फीएट इंजन कैस सेवन सेवन जीरो में भी आता है तो इसका हमने डीज़ल पंप खोला हुआ था तो अभी हम इसका डीजल पंप फिट करने वाले हैं तो पूरा इसका टाइमिंग कैसे मैच करना है इंजिन का और किस टाइमिंग पर डीज़ल पम्प को फिट करना है पूरा डिटेल में आपको बताएंगे तो बने रही हमारे साथ पहले ये दे देखिए यहाँ से आगे से इंजिन को घुमा लेते हैं सत्रह की गोटी से या फिर सत्रह के रिंग पाना से भी इसको घुमा सकते हैं लेकिन अभी हमारे पास गोटी है तो गोटी से घुमाना आसान रहता है तो इसको गोटी से घुमा लेते हैं घुमाते वक्त याद रखना है अभी हमें एक नंबर पिस्टन इसका फायरिंग ऑर्डर पे लेना है इसका आगे से एक नंबर रहता है उस टाइम पे हमें चेक करना है सात नंबर आठ नंबर का जो रॉकर है हमारा ये डांसिंग पोजिशन पर रहना चाहिए देखिए जैसे हम घुमा रहे हैं ये एक रॉकर ऊपर आ रहा है और जैसे पूरा टॉप पर आएगा और उसको ज़्यादा अगर हम घुमाएंगे तो आठ नंबर का नीचे जाएगा इस तरह से ये डांसिंग पोजिशन रहता है तो अभी उसी टाइम पे यहाँ पे देखिए मार्क दिया हुआ रहता है जो टाइमिंग कवर है उस पर यहाँ पे ये यह देखिए ये मार्किंग के लिए यहाँ पे ये यह कट दिया हुआ रहता है उसके हमें क्रैंक की जो पुली है उस पर भी यहाँ पे मार्क दिया हुआ रहता है दोनों को मैच कर देना है तो ये दोनों मार्किंग अभी हमारे मैच हो चुके हैं उस टाइम पर हमारे रॉकर चेक कर लेना है आगे से एक दो चार और पाँच नंबर का रॉकर हमारा फ्री रहेगा ये देखिए दोबारा बता देते हैं आपको एक नंबर दो नंबर चार नंबर और पाँच नंबर का रॉकर हमारा फ्री रहेगा अभी ये पम्प का टाइमिंग चेक कर लेते हैं जो हमारे पम्प के इसमें चाबी लगी हुई रहती है यहाँ पे आगे वो होना चाहिए यहाँ पे पीछे ए की जगह पे तो ये भी यहाँ पे प्लेट लगी हुई है तो ये नहीं दिख रहा है लेकिन ये देखिए ये बी दिख रहा है और सी दिख रहा है ये डी भी नहीं दिख रहा है आगे का यहाँ पे इसमें डी आएगा लेकिन हमें ए चेक करना है ए के एकदम अपोजिट साइड में ये चाबी लगी हुई होनी चाहिए ये इस तरह से मतलब एक के ए का जो पाइप लगा हुआ है उसके एकदम अपोजिट सामने चाबी होनी चाहिए तो अभी ये इसका टाइमिंग जो लॉक हुआ है वो भी सही से लॉक होया हुआ, हुआ है तो अभी इसको फिट कर लेते हैं पैकिंग हमने लगा लिया है इस पर थोड़ा सा हल्का साइनाबोन भी लगाया है और अभी इसको फिट कर लेते हैं ये देखिए इस तरह से इसको लगा लेते हैं इसको तेरा के बोल्ट नहीं लगाना है पहले सिर्फ पीछे से अटका देना है क्योंकि अभी हमें ये गेयर लगाना है पहले ये गेयर लगा लेना है ये देखिए यहाँ पे चार लिखा हुआ है तो ये चार लिखा हुआ यहाँ पे नीचे बराबर मैच होना चाहिए उस टाइम पे ये चावी का जो हमारा गाला है इसमें बैठ जाना चाहिए बराबर तो इसको पकड़ के रखना है आगे से गेयर को और पम्प को थोड़ा सा हल्का सा हिलाना है ये देखिए थोड़ा सा घुमाना है पम्प को तो घुमाने के बाद ये बैठ जाएगा क्योंकि गेयर के टीथ इसके क्रॉस आते हैं उसके बाद ये वाइसर लगेंगी आगे बाईस के नट से पहले और उसके बाद लगेगा हमारा ये बाईस का नट तो इसको पहले हाथों से ही घुमा के टाइट कर लेना है और फिर पहले तेरह के बोल्ट लगाएंगे ये देखिए ये जो तेरह के नट है हमारे ये तेरह के नट लगा के पहले ये तीनों नटों को टाइट करेंगे उसके बाद बाईस का नट टाइट करेंगे तो पहले इसको टाइट कर लेते हैं ये देखिए तेरह के तीनों नट टाइट कर लेते हैं पहले तीनों नट हमने लगा दिए हैं ये अंदर की साइड आता है और ये ये यहाँ पे नीचे आता है तो ये तीनों बोल्ट अच्छे से टाइट कर लेना है अभी ये टाइट हो चुका है पंप अभी हमारा लॉक है अभी पंप को लॉक नहीं निकाला है हमने पहले बाईस का नट टाइट करेंगे उसके बाद पंप का लॉक निकाल लेना है ये याद रखना है तो अभी बाईस का नट हम टाइट कर लेते हैं ये देखिए बाईस का नट अभी टाइट कर लेते हैं ये टाइट हो गया है बाईस का नट भी हमारा इसको भी अच्छे से टाइट कर लेना है बाकी हमने अभी पूरा फिटिंग कर लिया था वीडियो वीडियो बनाने के लिए हमारे पास अभी कोई नहीं था तो हमने अभी इसको पूरा फिटिंग कर लिया है अगर आपको पूरा वीडियो देखना है डिटेल में तो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा मशीन के पूरे रिपेयरिंग के वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन दबा देना तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत